या, तो यार इंडिया में बड़ी टेक फॉर्म्स के अलावा बहुत सारी ऐसी बैंकिंग फॉर्म भी हैं जो स्टूडेंट्स को हायर करती हैं फॉर द पोजीशन ऑफ डेवलपमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो तुमने सुना होगा कि यार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है सिटी बैंक है डॉयचो बैंक है एंड आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मॉर्गन चैनल की मॉर्गन चैनल की बात क्यों कर रहे हैं यार मॉर्गन चैनल का रिसेंटली एक ऑफ कैंपस ओपनिंग भी था एंड बहुत सारे कैंपस मॉर्गन चैनल विजिट भी कर रही है तो यार काफी सारे क्वेश्चन इन एंड अराउंड मॉर्गन चैनल मेरे को आ रहे थे तो आई थॉट कि इस वीडियो में हम पूरा ए टू जेड कंपाइल कर देंगे मॉर्गन चैनल का प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड क्या का डिस्क्राइब कर रहे होंगे यार हम उसका सी डी सी ब्रेकअप डिस्क्राइब कर रहे होंगे कौन कौन से रोल्स के लिए मॉर्गन सेन हायर करती है ऑन कैंपस कब हायर करती है ऑफ कैंपस कब हायर करती है अगर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जाती भी है तो उसका प्रोसेस कैसा होता है मतलब क्या क्या चीजें तुम्हें तो फोकस करनी चाहिए अगर तुम मॉर्गन सेने में सिलेक्ट होना चाहते हो उसके अलावा मतलब बेसिकली अबाउट वर्क कल्चर या टेक्स टैक् किस पे काम करती है तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे एंड अगर तुम्हें तो नहीं पता तो इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ कवर की जा चुके हैं तुम तो जाके वो वाली वीडियोज भी चेक कर सकते हो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट दैट यू आर सींग दैट वीडियो को लाइक कर देना यार ताकि अलगोरथम को पता लगे कि यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट एंड ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचे तो सबसे पहले तो यार मॉगन चैनल एक बैंकिंग फॉर्म है आई वुड नॉट गो इन टू द डेफ केयर क्या करती है कैसे करती है बट इट्स तुम्हें ये जानना जरूरी है कि एक बैंकिंग फॉर्म

अब बात कर लेते हैं मतलब ये तो इन फुल टाइम के लिए हायर करती है एंड इंटर्न्स के लिए भी जो टेक एनालिस्ट हायर करती है उसका भी सेम ही नाम होता है तो टू मंथ्स इंटर्न भी हायर करती है और सिक्स मंथस इंटर्स भी हायर करती है एंड फुल टाइम रोल के लिए डायरेक्टली भी हायर करती है तो अब कैसे हायर करती है ऑन कैंपस भी हायर करती है ऑफ कैंपस भी हायर करती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं सी टी सी एंड ब्रेकअप की तुम्हें तो पैसा कितना मिलेगा अगर तुम मॉर्गन स्टैले में सिलेक्ट हो जाते हो सबसे पहले यार अगर तुम्हें तो इंटर्नशिप मिलती है मॉर्गन चैनल में तो इंटर्न का स्टाइप एटी सेवन थाउजेंड पर मंथ मतलब एक महीने का तुम्हें तो एटी सेवन थाउजेंड मिल रहा होगा अब अगर तुम टू मंथ्स इंटर्न करते हो तो कैलकुलेट कर लो एटी सेवन थाउजेंड इंटू इट्स वन लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड वैसे इंटर्नशिप के स्टाइपेंड में मोस्ट कंपनीज़ टैक्स नहीं काटती हैं तो शायद टैक्स भी नहीं घटेगा वन लाख सेवेंटी फोर थाउजेंडें तुम्हें मिल रहे होंगे फॉर अ टू मंथ्स इंटर्न इसके अलावा अगर तुम्हें सिक्स मंथ्स इंटर्नशिप मिलती है तो तुम खुद कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर सकते हो तुम कितना पैसा कमा सकते हो इवन आफ्टर डूइंग दिस इंटर्नशिप उसके बाद फुल टाइम रोल के लिए अगर मॉगन चैनल हायर करती है तो फुल टाइम रोल में कितना पैसा मिलेगा फुल टाइम रोल में इसका सी टी अराउंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री या तुम क्लोज टू मान सकते हो ट्वेंटी सिक्स लैक्स सी टी सी है उस ट्वेंटी सिक्स लैक्स में यार थर्टीन लैक्स ,00 इनका बेस सैलरी है थर्टीन लैक्स तुम्हें मिलेगा एज अ बेस सैलरी उसके अलावा रीलोकेशन बोनस है रीलोकेशन बोनस भी काफी अच्छा दैट्स उसके अलावा एक बोनस अमाउंट मिलती है दैट इज ऑफ योर बेस सैलरी मतलब थर्टीन लैक्स का टेन परसेंट वन लैख थर्टी थाउजेंड मिल रहा होगा उसके बाद रिटेंशन बोनस है रिटेंशन बोनस मतलब फर्स्ट ईयर का रिटेंशन बोनस अराउंड टू लैक्स है उसके बाद विद इन स्पेसिफिक टू टू थ्री ईयर इनका रिटेंशन बोनस सात लाख का और है तो ये ऑल इन ऑल मिला के इट कम्स आउट टू बी ट्वेंटी सिक्स लैक्स तो पैकेज काफी अच्छा है मतलब इन टर्म्स ऑफ कैश कॉम्पोनेट तो कैश कॉम्पोन में काफी अच्छा मिल रहा होगा किसी भी कंपनी

तीनों तीन सेक्शन होते हैं एक सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का एक सेक्शन होता है डिबगिंग का एक सेक्शन होता है कोडिंग का कितनी भी जितनी भी टेक ये बैंकिंग फॉर्म एन सब में तुम्हें एप्टीट्यूड दिखेगा ही दिखेगा कहीं ना कहीं कर... तो इसमें जो एप्टीट्यूड एंड मैथ्स वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है मतलब मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फॉर्म अगर तुम गोल्डन एक्स का भी टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि बैंकिंग फॉर्म में थोड़ा एप्टीट्यूड टफ आता है एज कम्पेयेड टू एनी अदर कंपनी उनमें तो एप्टीट्यूड पूछता ही नहीं है तो एप्टी एंड मैथ्स थोड़ा सा टफ हो सकता है उसके अलावा सेवन क्वेश्चन डिबगिंग के आते हैं बीस मिनट मिलते हैं वो काफी ईजी होते हैं डिबगिंग तुम बड़े आराम से कर सकते हो फिर उसके बाद एक कोडिंग सेक्शन होता है जिसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सिक्सटी मिनट्स तो उन क्वेश्चन का लेवल तुम खुद ही सोच सकते हो अगर सिक्सटी मिनट्स में तीन क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन को बीस मिनट मिल रहे हैं तो उनका लेवल इजी टू मीडियम होता है टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं अगर तुम लीड कोड डीजी मीडियम

उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स में भी काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा टफ डेटा स्टक्चरल एल्गोरिथम्स नहीं पूछते वही फंडामेंटल क्वेश्चंस अगर तुम्हें आते हैं अगर उनकी मॉडिफिकेशन तुम कर पाओगे तो दैट इज गुड इनफ फॉर दिस कंपनी फर्स्ट राउंड हो गया उसके बाद सेकंड राउंड बेसिकली इट्स अ टेक प्लस मेनेजरियल राउंड जिसमें तुम्हें कोडिंग का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जनरल तुम्हारा पर्सनलिटी टेस्ट वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो सेकंड राउंड इज गोइंग टू बी अ जनलाइज राउंड जिसमें कुछ भी पूछ सकते हैं मतलब वी कांट जस्ट से दैट की यही पूछेंगे तो सेकंड राउंड कैन बी एनीथिंग फॉर इंटर्नशिप अब फुल टाइम में क्या होता कुल टाइम में फर्स्ट राउंड सेम डीएसएल गोस डीबीएमएस एंड ओएस के क्वेश्चंस पूछते हैं ओएस में भी जैसे सीमा फोर के क्वेश्चंस जैसे डेड लॉक्स के क्वेश्चन तो ये वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड डीबीएमएस में एसक्यूएल क्वेरीज जैसे मैंने बोला उसके अलावा मतलब सेकंड राउंड होता है सेकंड राउंड में फिर से दिस पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम थर्ड राउंड मतलब जो इनका हायर पोजीशन मैनेजेरियल लेवल के लोग लेते हैं उसमें भी इट्स मिक्स ऑफ टेक प्लस एचआर तो तुम्हें पर्सनालिटी के क्वेश्चंस भी पूछ जाएंगे तुम्हें ऐसा भी पूछा जाएगा कि वाई आर यू विलिंग टू ज्वाइन अ बैंकिंग फॉर्म तो तुम्हें थोड़ा बैंकिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं मतलब रिसेंटली मैंने किसी से पूछा तो उसे पूछा गया था तुम बैंकिंग में टेक यूज करके क्या इनोवेट कर सकते हो अब ये क्वेश्चन तुम्हें आए तो ऐसे रेंडमली क्या ही आंसर करोगे तो शायद थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें भी प्रिपेयर कर लेना है फिर प्लानिंग टू गोफा मॉगन सैन ने अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो ये क्वेश्चन टॉपिक से पूछते हैं जैसे हैश मैप्स है हीप्स है ट्रीज है तो मतलब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं काफी क्वांटिटी में पूछे गए हैं तो ये टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हो ऐसे नहीं बोल रहा कि बाकी टॉपिक्स छोड़ देने हैं बट इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा सकता है अब अगर हम बात करें कि ये हायरिंग कब कब करती है इनकी हायरिंग टाइमलाइंस क्या होती है टाइम टाइमलाइन इनकी यार जनरली जैसे अभी भी देर एन ओपनिंग ऑन द वेबसाइट तुम उस ओपनिंग पर अप्लाई कर सकते हो द बेस्ट थिंग इज तुम रेफरल लेकर अप्लाई करोगे तो देर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस

तुम्हें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए लिंक आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन वहां पे जाके तुम चेक कर सकते हो तुम अप्लाई कर सकते हो मॉर्गन चैनल में इंटर्नशिप के लिए टू मंथ्स की इंटर्नशिप के लिए सिक्स मंथ्स की दोनों ओपनिंग्स आर देयर सिक्स मंथ्स की इंटर्नशिप इज फॉर ट्वेंटी बैच करेंटली टू मंथ्स की इंटर्नशिप इज फॉर ट्वेंटी बैच करेंटली इसके अलावा अगर तुम और भी कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो तो देर इज अ प्लेटफॉर्म बाई गीक्स दट इज नोन एज गेट हायर बाई गीक्स में तुम जाके देखोगे तो मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज हायर करती रहती हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स तुम जाके चेक करोगे प्लेटफॉर्म पर तो हर टाइम

में ये भी सुना गया कि वर्क कल्चर इज गुड एज कंपेयर टू एनी अदर बिग टेक कंपनी मतलब काम तुम्हें मिलता है बट ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कुछ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं कि तुम्हें इतने घंटे ही काम करना है वो वाला सीन नहीं है यू विल हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है तो चाहे तुम दिन में चार घंटे काम करो या दिन में बारह घंटे काम करो इट्स अप टू यू तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना है तो किस टाइप से अपना टाइम मैनेज करते हो दैट इज वट शुड यू कीप एन माइंड अगर तुम मॉडर्न चैनल जैसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो बाकी ओवरऑल वर्क कल्चर वर्क लाइफ के हिसाब से इट इज गुड द अमाउंट ऑफ मनी दैट इट इज पेइंग